नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है और परंपरागत बिजनेस के अंतर्गत है। और आज के इस आधुनिक दुनिया में हर महिला चाहती है कि अपने पैर पर खड़े हो और खुद अपनी पहचान बनाए। तभी तो आज के समय बहुत सारी महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रही हैं और डायरेक्ट सेलिंग शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए हाईली पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अपने परिवार और डाउनलाइन को बिजनेस प्लान कैसे समझाना है इस बारे में भी जरूर बताएं, क्योंकि सभी का बिजनेस प्लान दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। और एक बात याद रखिए कि प्लान हमेशा इजी वे में समझाएं। और साथ ही दोस्त, जब भी आप अपने परिवार के साथ किसी नए व्यक्ति को मिले तो उनके साथ उत्साह और कॉन्फिडेंस से मिले, क्योंकि जब आप किसी से मिलने जाएंगे या किसी को अपना बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे तब आपको उनसे उत्साह के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि आप और आपका परिवार उन्हें जो कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, जिसने आपके जीवन में भी परिवर्तन किया है और यह सामने वाले के जीवन में भी परिवर्तन करेगा। ये उत्साह, ये ख्याल हमेशा आपके मन में होना चाहिए। जब आप उत्साह के साथ ऐसा सोचेंगे तब आपके अंदर उत्साह होगा जो आपकी बात में झलकेगा और लोगों को भी दिखाई देगा। अगर लोग आपके अंदर उत्साह नहीं देखेंगे तो वो आपके बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे। इसीलिए आपको हर समय उत्साह के साथ लोगों को अपना प्लान दिखाना है और भरपूर आत्मविश्वास के साथ लोगों से बात करनी है। इसीलिए हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास के साथ लोगों से मिले। अपने पति, पत्नी और डाउनलाइन को उत्पादों के बाजार के मूल्य, बिजनेस वॉल्यूम्स और रिटेल प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जरूर बताएं। जब भी आप कहीं भी मीटिंग में जाएं तो अपने साथ पति या पत्नी को अवश्य लेकर जाएं। जब कभी भी फ्री समय मिले तो अपने बच्चों के साथ प्रोडक्ट्स की पहेलियां बनाकर भी बच्चों के साथ अवश्य खेलें। हमेशा प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी डाउनलाइंस को परिचित करवाते रहें। दोस्तों, यह आपका स्वयं का बिजनेस है, इसीलिए कभी भी बिजनेस करते वक्त बिल्कुल भी ना शर्माएं, बल्कि कॉन्फिडेंस से अपने बिजनेस को करें। और साथ ही जब भी कभी भी किसी के घर जाएं या मीटिंग में या फिर सेमिनार में तो हमेशा अपने ड्रेस कोड को अवश्य फॉलो करें। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दोबारा जल्द मुलाकात होगी इस सीरीज में किसी नए विषय को लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड एमसी।